तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ट्रेड को कर रहे होंगे। दोस्तों, 3 दिन के वीक ऑफ के बाद आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, जिसके अंदर में हमने सारे कंपोनेंट्स चेक करने के बाद हम लोग चले गए NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पर हमने चेक किया कि सारे कंपोनेंट्स हमको पॉजिटिव व्यू में दिख रहे थे। जहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को चेक किया, निफ्टी फिफ्टी को चेक किया, तो सारे इंडेक्स हमको पॉजिटिव व्यू शो कर रहे थे, जिसके अंदर में हमने एक अप ट्रेंड में यानी कि अप साइड में एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट किया था, जिसके अंदर में हमने एक स्टार्टिंग में ही जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे हमने किया था, जहाँ पे हमने एक छोटा सा टारगेट लेके हम लोग इस ट्रेड से बाहर हो गए थे। लेकिन अगर दोस्तों आज अगर हमने हमारे इमोशन पे कंट्रोल किया होता या फिर हमको हमारे सेटअप पे पूरा भरोसा होता, तो आज हम एक बड़ी रैली यहाँ से कवर अप कर सकते थे। आप लोग देख ही सकते हो, बैंक निफ्टी का 28 दिसंबर का 48,000 का मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय किया था। करीब करीब 165 के अराउंड मैंने यहाँ पे इसको बाय किया था। और देखते ही देखते ये प्रीमियम आप लोग देख ही सकते हो कि जहाँ तक 185 तक मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट मार दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ईयरली एक्सपायरी के करीब है और ईयरली एक्सपायरी के करीब होने में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, जिसके अराउंड आप लोग देख सकते हो कि ये प्रीमियम बहुत ही जल्द अराउंड 12 बजे के आसपास 400 रुपये तक चला गया था। अराउंड अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता तो ये ट्रेड मेरा महा जैकपॉट ट्रेड बन सकता था। लेकिन मेरे एक गलती, आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने 10 लॉट से या इसको उठाया था, 9:17 पे मैंने इसकी पंचिंग की थी। तो अराउंड आप लोग देख सकते हो मेरा जो रनिंग प्रॉफिट आज इसमें से मैंने जो निकाला है, तो देखा आपने किस तरीके से अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता तो अराउंड अराउंड 22,000 से 23,000 रुपये तक का प्रॉफिट मैं इसमें से निकाल सकता था। लेकिन दोस्तों, हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना है, ट्रेडिंग के डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो हम लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। क्या पता था कि हमको मार्केट कितना ऊपर जाएगा? किसी को नहीं पता होता मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है। तो हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं नए वीडियो में।